AICC स्पोक्सपर्सन चरण सिंह सापरा साहब हैं। सापरा साहब, जिस तरह से आप जम्मू आए हैं और राहुल गांधी का आगामी एक बड़ा देशव्यापी जो देश जोड़ने का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, किस तरह से कांग्रेस को लेकर तैयार है और कश्मीर से कन्याकुमारी को कांग्रेस जो है किस तरह जोड़ेगी, क्योंकि इस समय सबकी नज़रें कांग्रेस पर हैं, क्योंकि कांग्रेस में इस समय नेता जो हैं जिस तरह छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस में जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है जी। महंगाई का मुद्दा कम से कम 2-2.5 साल से कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर, हर पंचायत के अंदर उठा रही है। संसद से लेकर सड़क तक हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई नफरत जो है, जिस तरह से जातिवाद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, पहनावे के नाम पर जिस तरह से विभाजन किया जा रहा है, ये विभाजनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए जब हमने देखा कि ये संसद में हमारी आवाज़ नहीं उठने देते, ये मीडिया में हमारी आवाज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम जनता के दरबार में अभी उतर रहे हैं। जनता की कोर्ट में श्री राहुल गांधी जी उतर करके जनता से बात करेंगे, जनता की समस्या का किस तरह से निवारण होगा और क्या नीचे के स्तर पर कितनी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। 7 सितंबर को 3,500 किलोमीटर की यात्रा वो शुरू होगी और तकरीबन 150 दिन तक, हो सकता है उसमें 5-10 दिन ज़्यादा भी लग जाएं, तो 150 दिन तक ये यात्रा चलेगी और राहुल गांधी जी हर गांव से, हर शहर से गुजरते हुए आएंगे, देश को जानेंगे, देश की समस्या को जानेंगे और उसका निवारण। दिल्ली में कल हुई रैली पे सबने उसको देखा भी, उसको सुना भी भाषण, लेकिन वहाँ पर एक चर्चा जिस तरह से बनी कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करना है और आने वाले आगामी समय में जम्मू कश्मीर में भी कभी भी चुनाव जो है उनका ऐलान हो सकता है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर क्या पॉलिसी बना रही है जिसमें जो है एक अहम रोल और आगे जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं असेंबली की वो जम्मू कश्मीर में जीत सके? निश्चित रूप से हमारी पार्टी की जो AICC की इंचार्ज हैं आदरणीय रजनी पाटिल जी, नए प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल जी, उनके कार्य अध्यक्ष रमन भल्ला जी और उनकी सारी टीम ये पूरी मुश्तैदी से काम कर रही है और देख रही है कि क्या क्या मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन यहाँ पर है, जो यहाँ पर गवर्नर रूल लगा हुआ है, उसके तहत कितने घोटाले हो रहे हैं, कितनी कमियाँ हैं, वो सब कमियों को उजागर करके ये बताया जाएगा कि ये सिर्फ जुमला और झूठ का प्रशासन है, इसको हरा करके लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रशासन आना चाहिए। सोशल मीडिया में ट्रेंड जिस तरह से भाषण होते हैं नेताओं के, कल राहुल गांधी ने जैसे बात करते करते बयान अपनी स्टेटमेंट देते थे, कह दिया कि आटे को जो है लीटर के हिसाब से, उसी को सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है, ज़्यादा फैलाया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं क्या इस चीज़ों से करने से क्या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को गिराने की कोशिश की जाती है? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, क्योंकि ये BJP का सोशल मीडिया का तंत्र जो है उसका वापर या गैर वापर ये करते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको उदाहरण देने जाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विदेश में जाकर के, डावोस में जाकर के कहा था कि 600 करोड़ जनता ने मुझे चुन करके दिया है, तो देश की आबादी 130 करोड़ है, उन्होंने 600 करोड़ कह दिया था। ऐसे अनेकों बार नेताओं से इस तरह के वक्तव्य थोड़ा सा स्लिप होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उसको उजागर करना जानता है और अपने नेता का जो गलती है उसको दबाना जानता है, उसको दबाते हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया नहीं जानता क्या? कांग्रेस के जो IT सेल वाले हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों में नहीं फैलाते? बिल्कुल, ये इन चीज़ों से मतदाता पर कोई असर नहीं होता। मतदाता ये देखता है कि मेरी जेब को कितना लूट रहे हैं, पेट्रोल कितने रुपए हो गया, 100 पार हो गया, डीजल 95 रुपए पार हो गया है, LPG गैस जो है 1100 रुपए सिलेंडर हो गया है। मतदाता के मुद्दे ये है, मतदाता का मुद्दा ये नहीं है कि किस नेता ने क्या कहा। लेकिन सोशल मीडिया एक अहम रोल भी निभाता है, तो आपको लगता है इसमें कांग्रेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा जिस तरह से BJP? कांग्रेस का सोशल मीडिया स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस का सोशल मीडिया मुद्दों पर चर्चा करता है, जनता से जुड़ी हुई बातों की चर्चा करता है। ये सब बातें जो आप जिक्र कर रहे हो ये जनता की बातें नहीं है, जनता की अहमियत की बातें नहीं है, जनता के मुद्दे और है। मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन जनता कहती है कि सब महंगा सी, तो महंगाई मुद्दा मेन है, महंगाई मुद्दा से मेन है। और चरण सिंह सापरा साहब जम्मू पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय में और यहाँ पर साफ तौर पर आगामी कार्यक्रम के बारे में जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है
कांग्रेस इस समय अपने आप को ही बचाने में लगी हुई है, और जिस तरह जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने अपना नया दल बनाने का जो है घोषणा कर दिया, उससे यकीनन यहाँ पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन देशव्यापी कांग्रेस पार्टी इस समय जो है अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए एक जो प्रोग्राम है उसे इनिशिएट कर रही है, जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी अपने जो सिपहसालार उनके साथ पूरा एक मार्च लंबा निकालेंगे और लोगों तक जाने की जो है वो कोशिश करेंगे। जम्मू से कोशिश पटियाड़ की रिपोर्ट।